नमो बुद्धाय जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, नेशनल प्रेसिडेंट द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं। कल हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का तेलंगाना का भी मीटिंग था और आज सेंट्रल कमेटी की बैठक थी, इसलिए यहाँ पर आना हुआ। और आज हमारे माननीय भीमराव जी अम्बेडकर, इन्होंने कहा और कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी ने कि हमको अपना जो टीवी चैनल है डॉक्टर अम्बेडकर टीवी चैनल, और उसको अपने को यानी भेंट देनी है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और सुअवसर की बात है कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि जैसा भीमराव जी ने भी कहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं, बहुत यूट्यूब चैनल है, लेकिन अपना बहुजनों के कार्य के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, जो ज्योतिबा फुले की बात है, तथागत भगवान बुद्ध की बात है, बाबा साहब के विचारों की बात है, आपके अंबेडकर टीवी चैनल के माध्यम से जो प्रचार प्रसार अभी दो राज्यों में हो रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और भविष्य में आप एक दो वर्ष के बाद जो आपके संकल्पना है कि हम इस चैनल को हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में भी उसका प्रसारित करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में एकमेव ऐसा चैनल रहेगा जो हमारा बहुजनों के लिए, अंबेडकर अनुयायियों के लिए, बौद्ध अनुयायी के लिए, और जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जैसे मंशा बताई है कि भाई हम इसके माध्यम से जो इलेक्शन की प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है इतने में बड़ी तादाद में और उच्च शिक्षित जो इसमें रिटायर्ड जज भी है, हम अच्छे अच्छे साहब तो स्वयं IRS रहे हुए हैं, तो इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, तो लोगों का एक विश्वास होता है। क्योंकि हमने भी जैसा बोला कि हमने भी एक चैनल की शुरुआत की थी अशोका की टीवी, हमने कैमरा लिया, ये लिया, लेकिन ये चैनल चलाना ये कोई ऐसी हंसी मजाक की कोई बात नहीं है। लोगों का सपोर्ट और जनता का सपोर्ट आपको जो मिल रहा है, आपके यानी ये जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर का नहीं, आम आदमी का भी सपोर्ट आपको जो मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ये सही मायने में ये एक जनता का चैनल है, और इस माध्यम से सभी बहुजनों के उत्थान के लिए ये कार्य करते रहेगा, बाबा साहब के विचारों का कार्य करते रहेगा, और मेरी हार्दिक शुभकामना है। और मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भविष्य में जैसे हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में उसका अगर प्रसारण होता है तो मेरा सहयोग, मेरे संस्था का सहयोग यानी वहाँ पर रहेगा, और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और फिर से आप सभी को, हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे जो ट्रस्टी है उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नमो बुद्धाय जय। वन मोर सर, स्पेशल टीवी फॉर बहुजन पीपल एंड फॉर देयर प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू फील अबाउट? हाँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया भाई? ये तो हमारे साथ, देखिए हमारा अपना कोई मीडिया नहीं है, हमारी कोई भी बात है जो अन्य मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, सब उनकी बातें करते हैं जो बहुजनों के अधिकार के अगेंस्ट में, मतलब वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारी बातें, या जो हमारे मोनूमेंट्स है उसको अपने हिंदू संस्कृति में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो और उसका प्रसार कौन कर रहे हैं? ये हिंदू चैनल, वो एक तरह से मतलब गवर्नमेंट के समझ जाइए, और अपने बहुजनों के विरोध में वो कार्य करते हैं। जो भी बातें हैं, जो हमारी कोई भी समाचार, हमारा कोई भी समाचार उनके माध्यम से नहीं होता, लेकिन ये हमारा एक अधिकार खुद के हम कहते कि ये हमारा चैनल है, और इसलिए हमको अपनी बात, अपना विचार रखने के लिए आपका जो माध्यम है, क्योंकि आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया है, मीडिया आपका टीवी चैनल है, ये बहुजनों के कल्याण के लिए, उसकी समस्या के लिए,
जो भी है वो प्रचार प्रचार, क्योंकि सबके घरों घर तक मतलब ये चैनल जाएगा। वो कितना भी विरोध रहे, कितने भी मानसिकता रहे, लेकिन बाबा साहब को आप वहाँ पे उनके घर तक पहुँचा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये समाज जागरूक होगा, क्योंकि अधिकांश जो बहुजन समाज के लोग हैं अभी भी नहीं समझ पा रहे बाबा साहब के बारे में, लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसकी यानी जो कमियां है वो पूरी हो जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये चैनल यानी पूरे भारत में अपने बहुजनों के लिए, जो अपने समाज के लिए एकमात्र टीवी चैनल रहेगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से आपका जो जो सेटअप जो बना हुआ है, तो मैं पुनः आप सभी को, हमारे सभी डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक है।